For God's sake, this man cannot remain in power. To see if Zelensky would blink. Мною принято решение. Я не надо на трибуне. G20 समिट 2014 अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पुतिन को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि इतना बेइज्जत महसूस कराते हैं कि पहली बार ग्रुप फोटो के लिए पुतिन को कॉर्नर में खड़ा करते हैं। कोई बड़ा नेता पुतिन के साथ लंच टेबल पर नहीं बैठता। इस पूरी मीट में पुतिन को साइड कॉर्नर करा जाता है। अपनी इस बेइज्जती के बाद पुतिन बीच में G20 समिट छोड़ वापस रशिया आ जाते हैं। बाद में ओबामा रशिया को एक छोटा और कमजोर देश बताता है। दुनिया को इस सब की वजह क्रीमिया और यूक्रेन बताई गई, लेकिन इस कहानी की शुरुआत और वजह सीरिया थी। Barack Obama said that America would not turn Syria into a proxy war with Russia. New attacks from Russia, including cruise missile strikes against targets inside Syria. 2001 Afghanistan, 2003 Iraq, 2011 Libya, 2013 Syria, 2014 Yemen. अमेरिका ने इन मिडिल ईस्ट के देशों को लोकतंत्र के नाम पर तबाह कर दिया। बस बचा तो एक इंसान सीरिया में बशर अल असाद, क्योंकि 2013 में सीरिया की लड़ाई में असाद को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान और रशिया का डायरेक्ट सपोर्ट था। इस पूरी कहानी को मैंने पिछली वीडियो में अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। जून 2013 ओबामा और पुतिन G8 समिट में सीरिया कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं। इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि बाद में जब ओबामा से पुतिन के बारे में पूछा गया, ओबामा ने जवाब दिया, पुतिन उस बोरिंग बच्चे की तरह दिखते जो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठता है। अब रशिया सीरिया के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि दिसंबर 2013 क्रीमिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। क्रीमिया वैसे तो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो एक ऑटोनोमस स्टेट था जिसका अपना एक राष्ट्रपति और अपना एक पार्लियामेंट था। राष्ट्रपति के साथ साथ क्रीमिया की प्रो रशियन जनता चाहती थी कि क्रीमिया यूरोपियन यूनियन में जाने की बजाय रशिया के साथ अपने संबंध मजबूत करे, लेकिन यूक्रेन की तरह क्रीमिया के प्रो यूक्रेनियन लोग चाहते थे कि वो केवल यूरोपियन यूनियन या नेटो के साथ ही जाए। समाधान के तौर पर मार्च 2014 में क्रीमिया के अंदर एक रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम में क्रीमिया यूक्रेन को छोड़ रशिया के साथ चला जाता है, लेकिन इस फैसले की वजह से अब यूक्रेन के अंदर हिंसा छिड़ जाती है। यूक्रेन के वो इलाके जिनकी बॉर्डर रशिया से मिलती है, वो भी अब स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगे। यूक्रेन की इस हिंसा के पीछे केवल रशिया को जिम्मेवार बताया जाता है, और ओबामा और अमेरिका को रशिया के खिलाफ कुछ ऐसा ही मौका चाहिए था। ओबामा तभी तुरंत पुतिन को G8 कंट्री से बाहर करता है, और रशिया के ऊपर ईरान से भी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए। ऐसा क्या है कि रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो को ज्वाइन करे? देखो, बहुत सीधे और साधारण शब्दों में नाटो का मतलब है उन देशों का संगठन जो अमेरिका के साथ है या उसके एलाई हैं, या उन देशों की ज़मीन पर अमेरिका अपना हथियार चलाने का अधिकार रखता है। अमेरिका और USSR पहले से एक दूसरे के राइवल रहे हैं। 1991 में USSR 15 अलग अलग देशों में टूट जाता है, और आज के समय में उन 15 देशों में से 12 देश लगभग नाटो में शामिल हो चुके हैं, और बाकी बचे 3 देशों में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, और यूक्रेन रशिया की बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है। तो अगर यूक्रेन भी नेटो में चला जाता है, अमेरिका के सैनिक और डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की जमीन पर डिप्लॉय होता है, तो रशिया भविष्य में कभी भी अमेरिका को युद्ध वारफेयर में दबा नहीं पाएगा। और यही वजह थी कि अक्टूबर 1962 जब रशिया ने अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा की मदद में वह अपनी मिसाइल डिप्लॉय करी, तो अमेरिका ने क्यूबा को न्यूक्लियर हमले की थ्रेट दी। अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई ऐसा देश हो जो उसके खिलाफ हो। बस पुतिन भी यही चाहता है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका ना हो। Сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. क्या इसका मतलब यह है कि पुतिन यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है, या पुतिन ने यूक्रेन पर अचानक ये हमला कर दिया? दिसंबर 2021 पुतिन अमेरिका और नेटो से सीधे सीधे दो मुख्य मांगे रखता है। एक तो उसे लिखित में आश्वासन चाहिए कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। दूसरा, जो देश USSR से अलग हुए थे उन देशों से अमेरिका अपने ट्रूप्स और न्यूक्लियर वेपन्स वापस हटाए। अमेरिका इन मांगों को मानने से इनकार कर देता है। 8 फरवरी 2022 युद्ध से पहले पुतिन एक आखिरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलते हैं।
पुतिन साफ साफ कहते हैं कि उसे पता है नेटो रशिया से काफी बड़ा, लेकिन उसके लिए उसके देश की सुरक्षा सबसे पहले है। नाटो को यह पता होना चाहिए कि रशिया कौन है और वो क्या कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन नाटो и России не сопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. इस युद्ध में रशिया की गलती है या अमेरिका की? देखो, इस पूरी लड़ाई में कोच का बीज है अमेरिका। अगर अमेरिका चाहता तो यह युद्ध पहले ही दिन खत्म हो जाता। अमेरिका को बस इतना कहना था कि ठीक है, यूक्रेन अब नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं बोला। अमेरिका क्यूबा को खा गया, वियतनाम को खा गया, लीबिया, ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, और आज यूक्रेन और रशिया की तबाही पर सबसे ज्यादा फायदा और वजह अमेरिका ही है। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं भारत किसके साथ है, रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ। मैंने देखा कुछ वीडियो में औरतों और बच्चों को रोते हुए। यहाँ रशिया को लोग शैतान बताने लगे। 800 साल तक पहले इस्लामिक इन्वेजन, फिर अंग्रेज, हमारी औरतों को सरेआम बाजार में बेचा गया, गर्भवती औरतें जोहर कर गई, हमारे गुरुओं के सर काट दिए गए, लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। 1971 का युद्ध, रशिया को छोड़कर पूरी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा हम मरे या जिए। आज यूरोप को रोता देख इनको मानवता याद आ रही। और बात रही यूक्रेन युद्ध की, तो भारत किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। भारत सबसे पहले अपने 130 करोड़ लोगों के साथ और बाद में हर उस देश के साथ जो अच्छे या बुरे दोनों समय में भारत के साथ खड़ा रहा। रशिया यूक्रेन युद्ध में कौन जीते कौन हारे, इससे कई गुना ज्यादा जरूरी है कि हमें भारत को इससे क्या सीखना चाहिए। अब हमें मेक इन भारत से मेड इन भारत बनना होगा। जैसे युद्ध शुरू हुआ, रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। गूगल ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी, एप्पल ने अपना सामान बेचना बंद, रशिया की बैंकिंग सिस्टम को फ्रीज कर दिया। जब आप किसी और देश पर निर्भर होते तो अपनी बात मनवाने के लिए दुनिया ऐसे ही दबाव डालती है। हम 130 करोड़ लोग हैं, दुनिया में कहां दबाव होगा कहां नहीं, ये हम तय करेंगे। आज से और अभी से हमारा ये लक्ष्य और ये मंत्र होना चाहिए, भारत में दिखने वाली हर एक चीज मेड इन भारत होगी। दूसरा और आखिरी उन लोगों के लिए जो कहते हैं राफेल क्यों खरीदा, सुरक्षा बजट क्यों बढ़ाया गया। अगर आज के बाद किसी ने भारतीय सेना के ऊपर ज्ञान दिया ना, भगवान कसम पागल कर दूंगा। रशिया यूक्रेन युद्ध देख रहे हो ना, अगर कल को भारत के ऊपर कोई देश हमला करता है, इस देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सबसे पहले अपने सीने पर गोली खाने वाला इंसान भारतीय सेना का जवान होगा। तो जवान का जीवन ही हमारी सुरक्षा है, इस देश की रक्षा है। देश के हर एक जवान को हमारे छोटे से परिवार की तरफ से जय हिंद। अगर मेरी ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आती है और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।